हेलो एवरीवन, प्रीति होम किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच, जिसके लिए मैंने एक प्याज और एक टमाटर कट कट के ले लिया है छोटे छोटे, और इसमें खीरा भी डाला जाता है, बट मेरे पास खीरा अवेलेबल नहीं था, इसके लिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। और जो है बस उसी से ही बनाते हैं। तो मैंने छोटे छोटे कट करके प्याज और टमाटर ले लिए, इसके ऊपर से मैंने नमक डाल दिया और काली मिर्च का पाउडर जो होता है उसको मैंने थोड़ा इसमें मिक्स कर लिया। उसके बाद अब हम ब्रेड ले लेंगे। ब्रेड में ऊपर से हम मेयोनीज और टमाटो सॉस ब्रेड पे लगा लेंगे। मैंने इस पे ऊपर से ही ऐसे ही डाल दिया है, और उसके बाद फिर चक्कू की सहायता से मैं इस पे स्प्रेड करूँगी, फैला दूँगी अच्छे। अब ऊपर से मैंने सब प्याज टमाटर को अच्छे से फैला लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें अमूल का चीज़ स्लाइस जो है वो एक एक करके सब ब्रेड पे मैं रखूँगी। दोनों ब्रेड पे रखने के बाद एक ब्रेड उठा के उसके ऊपर ऐसे दबा देंगे, फिर उसके ऊपर से मैं इसमें बटर लगाऊँगी। और तवा मैंने रख लिया है पहले से ही गर्म होने के लिए, तवा हमारा गर्म हो रहा है, और इसे अच्छे से मैं बटर लगाऊंगी। बटर लगाने के बाद इसको उठा के मैं तवे पर रख दूंगी। सैंडविच ये बच्चों को नाश्ते में भी हम सब टिफ़िन में दे सकते हैं, जो कि हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बहुत होता है, और बच्चे पसंद भी करते हैं सैंडविच। अब इधर मैं तवे पर रख लिया है ब्रेड को, उसके बाद ऊपर से मैं बटर लगाऊंगी अच्छे से पूरा एकदम ढेर सारा। गैस का फ्लेम मैंने लो मीडियम पर ही रखा है, उसके बाद ढक्कन से मैं इन्हें ढक दूँगी। ढकने से क्या होता है ना कि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, उसमें मिक्स हो जाएगी। और उसके बाद मैंने इधर फिर से उसको पलट दिया है पलटने। अब इसको फिर से हम ढक्कन से ढक देंगे। उसके बाद इधर देखिए हमारा सैंडविच तैयार हो गया है, एकदम कुरकुरा और क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी है। सुबह सुबह नाश्ते में आप खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब इसको मैं कट करूँगी। कट करने के बाद टमाटो सॉस के साथ या तो चाय के साथ मैं बच्चों को दूँगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर ऐसे सैंडविच बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।